तो गाइस कैसे हैं आप लोग। एक और शानदार मजेदार और तहलका मचाने वाली वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं रैंक पुश और साथी बंदे सभी के सभी रैंक पुश करने वाले हैं और हम उतरते हैं मिल्टा पावर की तरफ। यहाँ पे एक भी स्क्वाड हमारे साथ नहीं उतरती है तो सारे के सारे साथी बंदे खुश हो जाते हैं और मुझे यहाँ मिल जाती है M416A। तो जैसे मैं लेने जाता हूँ साथी बंदे क्या ही झपट्टा मारते हैं और मुझे एक और मिलने वाली है और मैं तुरंत उस पर भी मैं निशान लगा देता हूँ। पर देखो भाई मेरे नेट की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या ही फायदा उठा रहे हैं साथी बंदे। और ये हैं हीरो भाई, मैं पहले ही कह देता हूँ हीरो भाई है हमारे क्लैन के जो झपट्टा मारिए भाग रहे हैं भाई। तो मुझे मिल जाती है वेक्टर और वेक्टर को उठाते हुए मैं निकलता हूँ मिल्टा फैक्ट्री की तरफ। तो राम भाई को बिठाता हूँ और सीधा निकलते हैं मिल्टा फैक्ट्री की तरफ। मुझे पता रहता है यहाँ पे भी बंदे नहीं आए तो तुरंत सीधा जाता हूँ क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे लूट लाट करता हूँ। मुझे अच्छी खासी गन वगैरह मिल जाती है M762 वगैरह। तो यहाँ से जैसे लेकर निकलेंगे और एक भाई एक साथ दो ड्रॉप हुए होते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप भी लूटते हैं क्या ही मजा आने वाला है। और फ्लेयर गन भी रहती है यहाँ पे तो फ्लेयर गन भी यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक वगैरह मिल जाती है तो ऑक को लेते हैं और यहाँ से ऑक को लेके सीधा निकलते हैं। आपको ये सीन कैसा दिखता है दिखाता हूँ मैं आपको FPP मोड में, देखो आपको कैसा दिखता है ये। तो गाइस यहाँ से सीधा लेके निकलता हूँ मैं गाड़ी साथी बंदों के साथ और एक बगी वाला दिखता है जो ड्रॉप लूटने आया होता है बट हमको देख के क्या ही भागता है गाइस। और हमारे साथी बंदे क्या ही फायर कर रहे होते हैं तो वो डर के मारे पानी में ही कूद जाता है। देखो यहाँ पे यहाँ पे गाड़ी रुकता हूँ और मैं देखता हूँ भाई नीचे ही कहीं छुपा हुआ तो नहीं है, बट यहाँ पे नहीं होता, वो सीधा पानी में कूद जाता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ और सीधा क्या है उसके एक हेडशॉट लगेगा और वो तुरंत नॉक एंड फिनिश भी पानी में। तो गाइस मिस्टर आबिद इनको तो पूरा का पूरा लॉबी में पहुंचाया और यहाँ से वापस से गाड़ी उठाते हैं और चलते आगे की ओर मिल्टा में। तो यहाँ मिल्टा में ये कुछ घर बने हुए होते हैं तो यहाँ पे आते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। भाई यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला गाइस, यहाँ पे यहाँ से स्टोरी बिल्ड पूरी पूरी होने वाली है। तो इस गेम में किल कम है बट स्टोरी पूरी अच्छी है तो इस वीडियो को पूरा देखना ठीक है गाइस। और चैनल पे जो नया है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है, लाल बटन ठोक दो उसको, भाई की हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी गाइस ठीक है, ठोक दो उसको। तो यहाँ पे थोड़ी देर में वेट करता हूँ और जैसे वेट करता हूँ यहाँ पे एक बग्गी वाले आते हैं। गाइस एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा उसका रहता है जो हमारे साथी बंदे को नॉक करता है। तो मैं तुरंत वहाँ पे मॉली करता हूँ क्योंकि भाई मॉली से थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो रश कर दूंगा सीधा, बट ऐसा होता नहीं है। और देखो यहाँ मैं गाड़ी ब्लास्ट कर लेता हूँ बट जो पहला बंदा जो नॉक होता है उसका भी किल मुझे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा राइट में आता हूँ नीचे की तरफ और वो जो साथी बंदा रहता है उसको रिवाइव करके वो सीधा बग्गी पे बैठ के क्या ही भागते हैं, बट मैं उसे एक बंदे को वापस से नॉक करता हूँ। गाइस वो उस छोटे से शेक के पीछे वापस से छिप जाते हैं और मैं यहाँ पे क्या ही नॉक होने वाला वो देखो आप। गाइस मुझे हिलने का टाइम ही नहीं मिला और मैं सीधा चिल्लाता हूँ राम भाई कहाँ हो जल्दी से आओ, तो वो नीचे की जाने की कोशिश कर रहे हैं बट चलो कोई बात नहीं, राम भाई ने रिवाइव किया यहाँ पे और गाड़ी लेके सीधा करते हैं जोन इन। और यहाँ पे MG7 कौन सी गन गन का नाम ही भूल जाता हूँ गाइस में, तो यहाँ पे जो गन है इसका क्या ही यूज होने वाला है देखो यहाँ पे MG3 लाइट गाइस। तो इस गन का क्या ही स्प्रे क्या ही डैमेज है भाई, मैं दोनों तरफ पहले तो स्मोक कर लेता हूँ और साथी बंदे को करता हूँ रिवाइव। गाइज इस गन का तो क्या ही डैमेज है, शॉर्ट गन हो शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज हो दोनों में क्या ही स्प्रे गाइज इसका, और रिकॉल तो बहुत ही कम है। तो इतने में हमारे राम भाई भी नॉक हो जाते हैं तो मैं सोचा साथी बंदा करेगा रिवाइव, मैं यहाँ से जोन इन करता हूँ स्मोक वगैरह करके, बट यहाँ पे जैसे अंदर जाता हूँ गाइज दोनों के दोनों बंदे हमारे फिनिश हो जाते हैं। एक बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज वगैरह देता हूँ यहाँ पे और साथी बंदे को कहता हूँ गाइज कि एक स्मोक यहाँ कर दियो और दूसरा वहाँ शेक के बाजू में, वहाँ पे अपन शेक के बाजू में चले जाएंगे, जोन वहीं पे है थोड़ा बहुत।
तो साथी बंदा कहता है भाई हमारे पास स्मोक ही नहीं है, बट अब क्या करे, बहुत ज़्यादा हालतें खराब हुई होती है। तो मैं साथी बंदे को कहता हूँ भाई तू वहाँ पे सामने कवर फायर देता रहे और मैं यहाँ पे जिग जैग में आगे की तरफ निकलता हूँ। तो देखो जिग जैग में जैसे निकलता हूँ मुझे तो एक भी बुलेट नहीं लगने वाली होती, बट मैं जैसे पहुँचता हूँ पीछे के पीछे साथी बंदा भी कूद जाता है भाई, तो उसे थोड़ी बहुत डैमेज लग जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत स्प्रे देता हूँ देखो यहाँ पे आती, बट हमारे साथी बंदा बच जाता है, बट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वो। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आके कवर वगैरह लेता हूँ। ओ भाई पूरा का पूरा टीपीपी यहीं पे लेके बैठा हुआ है वो बंदा। तो जोन जैसे आता है जोन हमारे बाजू में ही रहता है और एक गाड़ी आ जाती है, तो मुझे पता रहता है एक बंदा यहाँ पे सोया हुआ होता है। साथी बंदे को कह देता हूँ भाई शेक के जस्ट पीछे एक बंदा वो लपेटा हुआ बैठा हुआ, उसे पूरा का पूरा लपेट लेना। तो देखो सभी बंदे जोन इन करते हैं भाई, एक भी घर जोन के अंदर रहता नहीं है। तो देखो यहाँ पे साथी बंदा रिच अमन को क्या ही लपेटता है और उस बंदे को नॉक करके वहीं छोड़ देता है। तो यहाँ पे होता है ऐसा ही गाइस कि हमारे साथी बंदे चिल्लाते हैं भाई मेरे पास हेल्थ है ही नहीं, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्थ देने की कोशिश करता हूँ उनको, और यहाँ पे बंदा रहता है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है मैं उसको डराने की कोशिश करता हूँ। और साथी बंदा चिल्लाता है भाई मेरे पास है ही नहीं बैंडेजेज वगैरह, तो मैं उसको देता हूँ। भाई ये बजमी वालों ने बहुत ही अच्छी चीज बना रखी है कि अपन हेल्थ फेंक सकते हैं, बट सही तरीके से नहीं फेंक पा रहे हैं। तो जैसे मैं हेल्थ फेंकता हूँ मेरा साथी बंदा नॉक, सैंडी ओपी ने मेरे साथी बंदे को नॉक किया था, बट सैंडी ओपी को ही मैं पूरा का पूरा लॉबी पहुंचा देता हूँ। अब बंदे बचते हैं सिर्फ चार टोटल मिला के, मेरा साथी मैं और सामने वाला एक बंदा। तो होता ऐसा है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे कि मेरा साथी बंदा नॉक होता मैं उसे गिनता ही नहीं हूँ और दूसरे बंदे को गिनता हूँ, तो दो बंदे दूसरे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मैं कंफ्यूज रहता हूँ बहुत गाइस, क्योंकि लास्ट रहता है और चिकन डिनर करना है गाइस। तो होता है यहाँ पे ऐसा है कि मुझे एमओ रहती नहीं, मेरे पास 21 और 14 एमओ रहती है दोनों मिला के। तो मेरे को शेक में 30 एमओ 7 की मिल जाती है और मैं तुरंत गन रिलोड कर लेता हूँ, और हमारे साथी बंदे क्या ही चिल्लाते हैं भाई गन रिलोड कर ले। और उधर दूसरा बंदा रहता है जो मौली पे मौली किया जा रहा होता है। तो पहले मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साथी बंदा रहता है सामने, और अब बंदा बचता है एक, 1 vs 1 गाइस। तो वो शेख के यहाँ पीछे आ जाता है, तो क्या ही माहौल होने वाला है देखो गाइस, यहाँ पे मजा आ जाने वाला है। और यहाँ साथी बंदे भाई कंफ्यूज कर रहे हैं गन रिलोड कर ले गन रिलोड कर ले, बट वो भी मजे ले रहे थे मेरे। तो और एक तरफ कह भी रहे थे भाई चिकन करा दे चिकन करा दे, चिकन नहीं भी करा पाएगा ये भी कह रहे थे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ और साथी वो एनिमीज के फुटप्रिंट्स देखता हूँ भाई कहाँ पर है वो, जस्ट यहाँ इस शेक के जस्ट पीछे रहता है। तो साथी एक बंदा कहता है भाई तू ऐसा कर जोन के अंदर से जाकर उस बंदे को लपेट ले, क्योंकि सामने से जाएगा तो मारा जाएगा। और जैसे जोन अंदर जाके मारा गाइस, ये आपको कैसा लगा विनर विनर चिकन डिनर? तो गाइस ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं गाइस ठीक है।